फोटोकेमिस्ट्री में हमने बियर लैम्बर्ट नियम किया था। बियर नियम के अनुसार तो क्या था कि जब किसी पदार्थ को जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी समांगी माध्यम के विलयन में से प्रवाहित किया जाता है, पास किया जाता है, तो प्रकाश विकिरण की तीव्रता में कमी जो हमारा माध्यम है उसकी सांद्रता के समानुपाती होती है। यह तो किसका नियम था? बियर का नियम। लैम्बर्ट ने क्या बताया था कि जब किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को होमोजीनियस मिक्सचर माध्यम में से पास किया जाता है तो विकिरण की तीव्रता में कमी आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो ये दो नियम किए थे। अब इस नियम की सीमाएं क्या है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमने कर ली थी। लिमिटेशंस क्या है? एक तो जो हमारा आप प्रकाश है वो कैसा होना चाहिए? एक वर्णी प्रकाश, यानी कि लाइट कैसी हो? मोनो क्रोमेटिक। कैसी लाइट होनी चाहिए? एक वर्णी प्रकाश होना चाहिए हमारा। दूसरी इसकी ये नियम केवल कैसे विलयन के लिए प्रभावी होता है, कैसे नियम विलयन पर लागू होता है, जो कैसे होते हैं? केवल तनु विलयन के लिए। ये जो नियम है किसके लिए लागू है? केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। विलयन कैसा हो हमारा? तनु। तीसरा, एक्सपेरिमेंट के दौरान ताप कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। टेम्परेचर कैसा हो? कॉन्स्टेंट। कैसा हो? कॉन्स्टेंट हो, ताप स्थिर हो। चौथा, कि जब हम लाइट को विलयन में से पास करते हैं तो विलेय पदार्थों का स्कंदन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं हो? कोगुलेट नहीं हो, यानी कि कोगुलेशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और लिमिटेशन इसकी क्या है कि जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को विलयन में से पास करते हैं तो विलेय अणुओं का ना तो क्या हो उस लाइट के कारण, ना तो उनका एसोसिएशन हो और ना उस लाइट से वो क्या हो? डिसोसिएशन हो। तो विलेय अणुओं का डिसोसिएशन और एसोसिएशन या डिफ्यूजन डिकम्पोजिशन नहीं होना चाहिए उसमें, तभी ये हमारा बियर लैम्बर्ट का नियम क्या होगा उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो ये उस नियम की क्या है? सीमाएं। अब फोटोकेमिस्ट्री में इसके बाद है प्रकाश रसायन के नियम। फोटोकेमिस्ट्री के नियम प्रकाश रसायन के नियम। अब इसमें प्रकाश रसायन के नियम है, पहला नियम है ग्रोथस ड्रेपर का नियम। ग्रोथस ड्रेपर का नियम क्या है कि जब कोई एक वर्णी प्रकाश किसी पदार्थ से टकराता है तो क्या बताया था? उसमें तीन तरीके की घटनाएं हो सकती हैं।
या तो क्या होगा, उस प्रकाश का कुछ भाग तो क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, कुछ ट्रांसमिट हो जाता है और कुछ क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है। तो उसने क्या कहा कि जो प्रकाश, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट है, एक वर्णी प्रकाश किसी पदार्थ से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग तो क्या हो जाता है, या तो ट्रांसमिट हो जाता है या रिफ्लेक्ट होता है, उसका केवल कुछ ही भाग क्या होता है, अवशोषित होता है। और उसने क्या कहा कि जो भाग अवशोषित होता है वो ही रासायनिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो उसने क्या कहा, क्या बताया कि जब किसी पदार्थ के साथ, जब किसी पदार्थ के साथ प्रकाश विकिरण टकराते हैं, जब किसी पदार्थ के साथ प्रकाश विकिरण टकराते हैं तो आपतित विकिरण का कुछ भाग ही अवशोषित होता है, कुछ भाग ही आपतित विकिरण का कुछ भाग ही अवशोषित होता है, जो कि रासायनिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है, जो कि रासायनिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी। केवल जो अवशोषित भाग है वो ही उस पदार्थ के अंदर केमिकल रिएक्शन से उनको संपन्न करता है, बाकी जो ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड पार्ट है उसका रासायनिक अभिक्रियाओं से कोई मतलब लेना देना नहीं होता। इस नियम को हम क्या कहते हैं, ग्रोथस वेपर का नियम। क्या ये ग्रोथस वेपर का नियम। अब दूसरा नियम कौन सा है, स्टार्क आइंस्टाइन का नियम। स्टार्क आइंस्टाइन ने क्या कहा कि एक अणु द्वारा अवशोषित विकिरण का प्रत्येक क्वांटम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के प्रथम पद में एक अणु को सक्रिय करता है, यानी कि एक क्वांटम है वो किसी जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें केवल एक अणु को क्या करता है, वो सक्रिय करता है। तो इस नियम को क्या कहते हैं हम, स्टार्क आइंस्टाइन का नियम या तुल्यता का नियम भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये दो नियम हैं। कौन कौन से नियम थे, स्टार्क आइंस्टाइन का नियम है ये तो, और इससे पहले हमने कौन सा किया था, ग्रोथस ड्रेपर का नियम। ग्रोथस ड्रेपर ने क्या बताया था कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है जब किसी पदार्थ के ऊपर गिरती है तो उसका केवल कुछ भाग ही उस पदार्थ द्वारा अवशोषित होता है, अधिकांश भाग तो क्या हो जाता है, या तो परावर्तित हो जाता है या उसमें से पास हो जाता है, पारगमित हो जाता है, और जो ये अवशोषित भाग है ये ही किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए या उस पदार्थ में, उस विलयन में रासायनिक परिवर्तन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो वो तो हमारा कौन था, कौन सा नियम था, ग्रोथस ड्रेपर का नियम। और स्टार्क आइंस्टाइन ने क्या कहा कि एक अणु, किसी एक अणु द्वारा अवशोषित विकिरण का प्रत्येक क्वांटम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के प्राथमिक पद में एक अणु को सक्रिय करता है, और वो सक्रिय अणु फिर किसमें बदलता है, हमारा प्रोडक्ट में, उत्पाद। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं, स्टार्क आइंस्टाइन का
नी। तो ये दो नियम थे, अब नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे।